हंस के बीच तेसर भाग मैथिली भगत प्रसंग गावे ले जा रहल छी। गायक श्री मनोज कुमार भारती, ग्राम बजरंग चौक पथराहा, थाना घेलाड, जिला मधेपुरा, साथी सहयोगी गुरुजी श्री दुखभंजन प्रसाद यादव, ग्राम बंचलहा सहरसा, दिनेश जी रामनगर, नाल बादक उदय कुमार जी भतरंधा निवासी, पेड मानसर कुर्सेला कटिहार मुरलीधर जी, अवरेंद्र कुमार ग्राम बंचलहा, शंभु बिहारी जी ग्राम बरेल सुपौल, नरेश कुमार आल मास्टर ग्राम पथराहा, देवचंद बाबू ग्राम पथराहा, श्री वीरेंद्र बाबू के अथक प्रयास से यह भगत प्रसंग शुरुआती किया जा रहा है।
मा माई के कान अब जो सुन लके ये वाला यरधानी कानै छे हे बाबू सब हे सुनु सुनु बाबू भैया ये सुनियो के ये कथा के सुनब परवर लीला मालिक यर चलकै नगर निवासी पोपीपुर के संत भगवान श्रोता समाज सब कानब जे सुन लके इस समाज में अगर केकरो आंगन में देखे हुए माए बहन सब जे काने लागे छे अगल बगल के लोग सुने छे दरबर मारने डेरा में भीड़ लग जाए छे देखे के वास्ते जे की भाग ले ओई समान सब श्रोता भगवान दाए माए बहन सब आए नगर पोपीपुर नगरी नंद ग्राम में ज्योति बाबा के आंगन में भीड़ लग गए सर समाज बाबा आब गए यमा माई से जवाब श्रोता भगवान सब करे लागले कहल के गे यमा माई बन जंगल गेलो ओय दिन से ते माय तोरा नहीं देखलियो कानैत नहीं अबला के देखलियो कानैत घर में खर्चा घट गेलो तोरा कोई उल्हन उपराग दे देलको कौन चीज के कमी माय भेलो बोले यमा माय श्रोतागण भगवान से जवाब करे छे कल जोर ले छे कहे छे समाज बाबा जे दिन से बेटा गेले कोनो शोक नहीं भले आई हमरा बेटा के याद आब गेले बेटा छई केंदुली में की नहीं छई मालिक हमरा कोख में एगो बेटा दल के ओकरो हर के लागले आंख के आन्हर भागलिया
हे श्रोता भगवान, आँखि के अन्हर भए गेलौं ते लए के बेटा के याद एले। अगर बेटा गांव में रहती है जरूर एक लोटा जल लाइव के देती है। अगर भूखल प्यासल रहती है तो समय से लाइव के भोजन देती है। अला के ये हमरा बेटा के याद एले। हे हो श्रोता बाबा, बाबा हो, ये हो बेटा हो। माता श्री के वचन सीन के समाज बाबा कहे छे, माय आज तोरा बेटा के केंदुली बन जंगल में जय हो। 12 बरस पीर गेला ये मानव बिना यन बिना जल के दुनिया में 2-4 दिन नहीं 10 दिन के बाद जिंदा नहीं रह सके। तोहर बेटा आई 12 बरस से बिना अन्न बिना जल के छे। वो मानव केना हेते केंदली में केंदली
गेल तुम आय बेटा के नाम कुश के कुछ पुत्र बना रही ये वाला अर्धांगनी छे उनका हाथ से अग्नि दे दी है बेटा के आत्मा में शांति है तो हे बाबू सा बाबू सा वला के दिल में धीरज नहीं रहल माय समाज बाबा के वचन सुन जय हो हे यलो टीए समाज बाबा के वचन सीन के लोट लोट के कान हे बाबू सब अबला अर्धांगनी स्वामी के विरोग में कपार पटक पटक के छाती में मुका मार के जार बेजार कानला के कान सीन यबला के कानब के सीन के हे यो बाबू सा हे परमात्म धर्मराज बाबा अंतर्यामी मालिक इंद्रपुर में जाग गेले महावीर जी के साथ कल के कहल के महावीर जी जय सेवा का ज्योति पंजियार के बिना यन बिना जल बिना जुरी छाहर के बारह वर्ष किंदली वन जंगल के लिखनी लिख दलिए रहे आई वो भक्त के समय पुर गलेधांगनी जार बेजार कान छे सिर पटक पटक के यमा बिरधा जे छे ज्योति बाबू के यमा जय हो से जार बेजार कान छे आँखि के अन्हर बनल एक आँखि के अन्हर बनल
दोसर बेटा के सोग में जब प्राण तेज देते हे यो धारा मई के Oh,
बाबा के आयो केंदली वन जंगल से हिला के चुरहो पर निर्वाण क्या के एक पेन के भार दा के रहो तेसर धावन जिमिए गे पौपिए पूरा सीमान पर जुमल पीपुर के सीमान पर ज्योति भक्तराज के लाइव के ज्योति भक्तराज रुक जाए छे गुरु बाबा से जवाब करे छे सुना भक्तराज ज्योति बाबू कहे छे हे गुरु महाराज सुना सुना एक बेर हमारे बचन सीनिला किंदली बन जंगल से ठेक फुसला के हमरा तू ये जन्मभूमि स्थान के ला जा रहलो ये यही पोपी पूरा के सीमान पर हो गो से बाबा आब हम ओना नहीं जेबे धर्मराज बाबा कहे छे महावीर जी भक्तराज हे हो समाज बाबा बाबा हो हे यो महावीर जी आब भक्तराज ज्योति बाबू कहे छे ठेक फुसला के हमरा केंदली वन जंगल से आनलो ये ई पोपीपुर के सीमान छिए हम ये सीमा पर से आब नहीं जाम जन्मभूमि स्थान ज्योति बाबू के की मन में उपज गेले से एहन भाषा बोलल एहन आवाज निकाल लेके ये धर्मराज बाबा कहे छे भक्तराज ज्योति तू एहन बात किया बोललो से बात हमरा तू बता दे कौन कारण छे हाय हे समाज बाबा बाबा यो ज्योति बाबा दसो नह कलज
कहे छे गुरु बाबा एक जरा के चूक में एते भारी भारी कष्ट दिलो ओहो कष्ट के झेल लिए एक बात हमें तोरा से पूछई छिया हो कहल के की बोलो कहल के हमरा माय के कोख में कोनो दू चार गो बेटा नहीं जन्म लेने रहे ही माय के कोख में एगो बेटा एकलौता रहे ओहो में चौथा अपन उम्र में माय के गर्भ से हम जन्म लेलों जब माय के सुख के समय लई हो बेमान गोसें तो हमरा तो तू ठक के बरेला में धर्म के पनियार बनेलो जरा सा चूक भले तो किंदली बन जंगल बनवास कै दल हो यमा हमर माई छई आकि मैर गेल यबला नारी छै कि पर घर शादी कै के चल गेल अरबा अरबन खा के दुभड़ी के रस घेंट के पटना शहर से रेशम धाग वृंदावन से बीट बांस मंगेलिए अरही बन से खरही मंगा माज मजूर निहंस चकेबा निर्माण के लिए रेच रेच के बनेलिए धर्म के गोबर बनेलों अजब हो गई के समय भलई हो तू हमरा किंदली बन जंगल कै दल हो रूप ला के हम याव जन्मभूम स्थान नहीं जेबा सबसे पहले तू हमरा जोगी फकीर के रूप धारण बना दो माय के भेंट कै लेबे अगर माय हमर ठीक ठाक हेते सतवरती अवला हमर घर में हेते नैन से देख लेबे तब ते हम वही घर में रहबे नहीं ते हे हो देखा ले हे हो तो साई बाबा देखा ले हो केंदुली हो Thank you.
दिलिए दिलके जोगी हो रूपनी रमान करलके घरिए छान पालक में होकलके धर्मराज बाबा ज्योति बाबू के जोगी फकीर के रूप धारण निर्वाण क्या दल के हो ज्योति बाबा कहल के धर्मराज बाबा ये सीमान पर तू ऐ पथ के रखवारी करो हमें आब आब माय के भेंट क्या के कहल के बाबू भक्तराज ज्योति जल्दी जा लेकिन देर न करिह जल्दी चले हो ज्योति बाबा दरबर मारने ही अपना दरवाजा के निकट पहुंचे छे जय हो ही माता श्री के बिरो का काने छे कहे छे केना यो आ भिक्षा दी इयो भिक्षा यदि दरवाजा पर पहुंच गए दरवाजा पर खार भा जाए छे आ घर के रामाता है बहिना घर में ये छापे ये कली आई Wow.
हे श्रोता भगवान उषार पर बिसल रहे ही अबला यरधांगनी लाली सेज पलंग पर बैसल रहे जोगी के आवाज सुने छे सासू से आपके जवाब कर छे कहल के माता श्री लागे ये कोई जोगी भिखारी है अपना द्वार पर ये ले ये मैया के भी रोग गैने ये ले ये कहे छे बेटी एगो थाली में अरबा मोती चावल ला ले जा जोगी बाबा के भिक्षा दे दी हो जोगी छे दस वंशी छे दस दुआरी छे दस दुआर जिते जा लेट नहीं करो सासू के वचन सीन के अबला यरधांगनी की काम करे ये सतवर्ती की हो थाली में अरबा मोती चावल ला लल के दरबार मारने दरवाजा पैले जोगी महात्मा के रूप रेखा देख यही आवे कहे छे बाबा जोगी लियो ये भागेल हाथ से भिक्षा ले लियो जेहना हाथ बढ़ावे छे जोगी बाबा तीन डेग पीछा भै जाए छे ही अबला से जवाब कर छे कहल के हे सती तोरा हाथ से या हमरा तोरा द्वार पर एक मुठा एक मुठी भिक नहीं लिखे छे अगर वृद्ध नारी क्यों तोरा घर में छा जा ओकरा भेज दीहो ओकरा हाथ से हमरा भीख लिखल छे ई वचन सुन के अबला दरबार मारने घर चल गेले सासू के नजदीक थाली रेख दल के कहल के माये देखियो जोगी महात्मा के आवाज सुन लियो कहल के तोरा हाथ से हमरा जे छे भिक्षा नहीं लिखे जा घर में कोई यमा सासू छा तो ओकरा भेज दीहो ओकरा हाथ से भिक्षा हमरा लिखे छे कहल के ठीक छे कहल के ठीक छे दुल्हीन तू घर में रह हम ही जाए छे अपना हाथ से दया देवे जोगी महात्मा के भीख कल के खाली हाथ बर भिखारी के दरवाजा पर से वना नहीं जाए देना चाहिए हियमारंभावती हिमा अरबा मोती चावल लेने गेले भिखारी के कहे छे जोगी बाबा लियो भीख हियाबला के मन में शंका भय गेले हमरा हाथ से भीख नहीं लेल के लेकिन ये दरबार में तो हमें सब दिन भीख दिलो ये से ही कौन सत्पुरुष छे जे हमरा हाथ से अगरा भीख नहीं लिखल के हे बाबू साहब दरबार मारने अबला चले ले कहल के माय ए महात्मा के नहीं देबे आ भीख कहल के ना नहीं बोली कनिए कहल के नहीं नहीं भीख नहीं देना छे आबे जोगी के परीक्षा लेबे जांच में ठहरते तब एकरा भीख देबे नहीं तो ना नहीं देबे जोगी महात्मा या अबला के श्रोता भगवान देख लियो ही अबला की काम करे छे कहल के माय ही स्वामी छियै अहां के बेटा छिये लेकिन यहां से छलका के भी खिला लेते और अहां के द्वार से चल जेते फिर घूर के बेटा अहां के नहीं आत कहल के अबला तू केहन बात बोले छ दूसरों के बेटा दा कहे छ तोरे बेटा छिये कहल के माय एक और परीक्षा लेबे ही अबला ही आंगन में चौका
लगा दे छे, आसन लगा दे छे, धूप दीप अगरबत्ती जला दे छे, जोगी महात्मा के आंगन में कहे छे चलाओ जोगी महात्मा तू बैसो। अबला दरबार मार ने चल गेले सर समाज बाबा के बोले लावल के कहल के बाबा हमर पतिनाथ छे माता श्री के सुपुत्र छे इनकर जांच छे अपने से देख लियो सब सभा लगा के बस सगलियो गलियो आते धारा मई के प्रसंग को सुन रहे हैं सर संगम स्टूडियो भागलपुर इन्हीं के सृजन में भक्तराज ज्योति माता श्री का मिलन यह तीसरा वॉल्यूम में मैं सुनाने जा रहा हूं। जो भी टूटी फूटी भाषा में सुनते हैं इनको क्षमा करेंगे। हे बाबू साहब हे यो धारा मई के लीला दुलारुआ काली
सासु माई के सासु माई के आँखि में सात तक कपड़ा के पट्टी बांधि देलके। यमाश्री के स्थान में सात पट्टी कपड़ा बांधि देलके। माता श्री के कहल के माँ अगर यहाँ के बेटा भक्त नहते अहाँ के सुखल तन से अहाँ के बेटा के मुंह में दूध नहीं जीते। जय हो। अगर यहाँ के बेटा भक्त राज हेते किंदली के राजा तपसी अगर हेते ओय सुखल तन से अहाँ के बेटा के मुंह में दूध जीते तब विश्वास हाथ नहीं हमर बेटा छे कि नहीं छे। कहल के हाँ 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 कनिए तब तो विश्वास जरूर हेते। जय हो। कहल के ठीक छे हियाबला सासु के कहल कई माँ माये धर्म के ओसार पर जाओ और अहाँ के बेटा आंगन में छे धर्म के सभा लागल छे अहाँ के बेटा ये आसन पर बैसल ये धर्म के सभा लगेने छे। अगर यह हम झूठ हेबे ऐसर समाज में जे दंड हमरा करबे माय कह दे। कहल के ठीक छे हिया बला धर्म राज बाबा हो नाम ला ला जोर जोर से आवाज दिए लागले हो धर्मराज बाबा हे हो साथी हे हो निदान
श्रोता भगवान धर्म खिराज बाबा के महिमा खीर गेले अमा के सुखल तन से ज्योति बाबा के मुंह में दूध चल गेले कहल के माय बेटा छी कि नहीं आप कहियो अमा बेटा के फिर पांच के पकड़ के हृदय लगा ललके सोना भोलम समापन भए रहल छे। अगला भोलम में फिर दोसर डिश सुनाब। अब अहाँ सबके बीच में अपन वाणी से विराम ले जा रहल छी।